एक चीज और आप लोगों को सुनाऊंगा कि ये स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि ऋषि दयानंद ने जो बात लिखी है उसको तो बोला नहीं जाता। यज प्रार्थना के बारे में बोले ऋषि दयानंद ने, वहां पर महाभाव दीपगण के लिए बोला यज प्रार्थना, ये लोग बोलते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने केवल बोला ही नहीं, हमने केवल किया नहीं, हमने अपने बच्चों को भी तैयार किया है। ये सुनिए जरा क्या बोल रही है मेरी बेटी। अथ महावामदेव गानम। ओम नमूना दिखा रहा हूँ, ये लंबा है, मैं केवल नमूना दे रहा हूँ। बहुत उत्तम बंधु, जो वीडियो आप लोगों ने अभी माँ वामदेव गान वाली सुनी है, ये मेरी बेटी सुमिया का है। और ये केवल माँ वामदेव गान ही नहीं, इसको दो वेद कंठस्थ है, यजुर्वेद और सामवेद, अष्टाध्यायी महाभाष्य से ये सारा कंठस्थ है। 5 वर्ष की आयु में इसकी तैयारी हो चुकी थी। इसे घन पाठ, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, जो 8 पद्धति है वेद पाठ का, इसको सारा अभ्यास कराया है। ये आर्य समाजी लोग इस सब काम को करते नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल किया है और सबके सामने है जो है, और इस समय PhD की तैयारी में है। मैं उपदेशकीय पथ पे नहीं लाया क्योंकि मैं मार्केट में खूब घूमा, खूब देखा, मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं इस कार्य में इसको नहीं लगाया। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद ने जो लिखा उसको करते नहीं है, हमने करते नहीं है नहीं, हमने प्रैक्टिकल करके दिया, हमने दिखा दिया दुनिया वालों को कि हम जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, और जितना जानते हैं उतना बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। आप लोगों को मैं अभी 30 तारीख को लिख करके ही दिया कि या इस्लाम के तर्क से ही काम लिया है, इस्लामिक दर्शन से ही सत्याप्रकाश केस जीता गया है। कोई भी दर्शनाचार्य, कोई भी व्याकरणाचार्य, कोई भी योगाचार्य, जितने भी ये वैदिक विद्वान हैं, वेद के जानने वाले हैं, वेद को घोट करके पी रखा हो, ऐसे किसी विद्वानों के माध्यम से सत्याप्रकाश केस को जीता नहीं गया। सत्याप्रकाश केस जीता गया है केवल और केवल इस्लामिक दर्शन से। तर्क विद्या जो फलसफा और मंतिक है, उस मंतिक के आधार पर सत्याप्रकाश केस को जीता गया है। इसमें किसी आर्य समाज की भी भागीदारी नहीं थी। आज तो इत्तेफाक से मैं अपने माननीय वकील साहब को भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके दिखा दिया। माननीय वकील जो हमारे एडवोकेट विमल बधावन जी, जो सार्वजनिक सभा के ये मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं की फोटो, उनकी आवाज़ मैं आज आप लोगों को दिया हूँ, और उनके चेहरा को दिखाने के लिए, फोटो दिखाने के लिए मैं बताया हूँ। विमल बधावन जी कि दिल और दिमाग में मैंने ये बात भरी कि सत्यात प्रकाश में जो बात लिखी हुई है, ये बातें कुरान से ली गई है, तो कुरान में ये बातें कहाँ कहाँ है, तो ऋषि दयानंद ने किस कुरान से लिया, कहाँ से लिया,
किस प्रकार से लिया, फिर समीक्षा किया है, उसका सारा प्रमाण उठा करके मैं दिया हूँ। कहाँ कहाँ है वो आर्य समाजी नहीं जानते हैं, क्योंकि 14 समुल्लास को इन्होंने कभी पढ़ करके नहीं देखा, 13 समुल्लास को भी पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके विरुद्ध काम किया है, लेकिन 14 समुल्लास को ये लोग छूते नहीं है, जानते नहीं है। तो वो विषय जिसका है उसी विषय को पढ़ने के बाद ही उसकी जानकारी मिलेगी, उस विषय को पढ़े बिना उसकी जानकारी कौन पा जाएगा भला। यही कारण बना जो लोग ये दम भर रहे हैं, 45 साल तक मैंने दर्शन पढ़ी, और कोई डिबेट करने के लिए आता है तो उसको 20 साल दर्शन पढ़ करके आना चाहिए। हमने अब तक जितने शास्त्रार्थ किए हैं, शास्त्रार्थ करने वाले हमारे जो विरोधी पक्ष के थे उन्होंने दर्शन का दा तक नहीं जाना, और 20 साल दर्शन वो पढ़ करके आएंगे तब उनसे शास्त्रार्थ की जाएगी। ये सब बेतुकी बात है, फुहड़पने की बात है, अज्ञानता की बात है, ये दम्भी है, दम भरने वाली बात है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिखाया हूँ। ये सत्याप्रकाश केस जीतने के लिए हमने 14 समुल्लास में जो टिप्पणी ऋषि दयानंद ने की है कुरान पर, कुरान में ये बातें है या नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आरोप कहाँ पर लगा था, आक्षेप कहाँ पर लगाए थे ये लोग, खलील खान और उस्मान गनी दोनों को तैयार किया था अग्निवेश, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, और अग्निवेश ने सार्वदेशिक सभा में भी 50 मुसलमानों को सदस्य बना रखा है। तो खलील खान और उस्मान गनी के दिल और दिमाग में अग्निवेश ने भरा, देखो सत्याप्रकाश में स्वामी जी ने यहाँ क्या लिखा है। वहाँ कुरान में ही एक जगह आई है बात कि हज़रत मोहम्मद साहब की 11 पत्नियाँ थीं, हर एक के पास बारी बारी से जाते थे, और एक दिन एक पत्नी के पास गए तो उन्होंने जा करके बोला कि तुम्हारी माँ याद कर रही है। वो चली गई, वहाँ पर एक दासी थी, उनके साथ इन्होंने अपनी हवस पूरी की। इतने में पत्नी आ गई, तो पत्नी आने के बाद उसने वो बिगड़ी हुजूर पर, तो फौरन अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, और अल्लाह ने कहा ये मेरे पैगंबर है, मेरे नबी है, इनको मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, इनको मत डांटो। ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश में केवल थोड़ा सा चूटी काटा, ऋषि दयानंद ने ये बोला क्या अल्लाह क्या ठहरे, मोहम्मद साहब की पत्नी लाने के लिए नाई ठहरे क्या, बस यही आक्षेप था। इसी पर ही इन्होंने ये कोर्ट में डाला कि सत्याप्रकाश में ये बातें जो लिखी हुई हैं इस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। और मैंने अपने वकील के दिल और दिमाग में ये बात भरी, जो ये बातें कुरान में है तो सत्याप्रकाश में है तो आपत्ति क्या है, कुरान से हटा दे सत्याप्रकाश अपने आप बैठ जाएंगे। इस तर्क के माध्यम से ही मैं उस केस को जीता हूँ जो आप सब लोगों के सामने है। और साम वेद गान जो सुन रहे थे वो पूरा नहीं सुनाया, केवल नमूना के लिए उतना ही सुनाया गया है, ये आगे आप लोग देखिए सुनते रहिए। और ये कुरान में कहाँ है ढूंढ करके निकालना, ये किसी आर्य समाजी की बस की बात नहीं थी। तो ये सारा प्रमाण इसी तरीके का दिया हुआ है, इसी तरीके से उस केस को जीता गया है। तो ऋषि दयानंद ने जो सत्याप्रकाश के 14 समुल्लास लिखे हैं, तो 14 समुल्लासों में 10 समुल्लास तो केवल वेद का प्रतिपादन है, आदेश और निषेध है, 4 समुल्लास में मत मतांतरों का समीक्षा किया गया उनके ग्रंथों का। तो उन ग्रंथों को कोई पढ़ करके देखा है क्या, जब ऋषि दयानंद के सिपाहियों ने पंडित लेखराम आदि विद्वानों ने जब शास्त्रार्थ किया तो कुरान के आधार पर किया, ये मुंशी गुलाम बशीर अहमद से सत्याप्रकाश का जो लबलबाप आया है वो मुंशी गुलाम बशीर अहमद से जो शास्त्रार्थ किया, या एक दो नहीं ऐसे हजारों शास्त्रार्थ हुए हैं। तो कुरान के जानने वालों से कुरान को जान करके ही शास्त्रार्थ किया, या केवल दर्शन के आधार पर ही उनको हराए थे, ये सब बेतुकी बातें हैं। ये दम्भी लोग हैं, अपना दम भरते हैं, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऋषि दयानंद को धन्यवाद दीजिए कि ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश में इन 4 समुल्लासों को मत मतांतरों के बारे में सचेत किया है।
और ऋषि दयानंद ने यहाँ तक कहा है कि ये सब के सब जाली ग्रंथ हैं, इनमें सच्चाई कोसों दूर तक नहीं है। इसी पर ही हमारे विद्वानों ने जाना, पढ़ा उसको, उस ग्रंथ में क्या है, तब डिबेट के लिए कूदे थे। कोई दर्शन पढ़ करके नहीं आए, दर्शन के ऊपर शास्त्रार्थ तो हुई नहीं है, ये कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ हुई है। तो कुरान के जानकार ही कुरान पर शास्त्रार्थ करेंगे। अगला पक्ष तो इस्लामी पक्ष तो कुरान के जानकार थे, लेकिन आर्य समाजी विद्वान अगर कुरान के जानकार न हुए होते तो शास्त्रार्थ कहाँ से करते। और यही प्रमाण है जो मैं सत्या प्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूँ। 30,000 कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट हमारे माननीय वकील विमल भदवन जी ले आए उठा करके। 25 वकीलों का सहयोग रहा हमारे साथ, 25 वकीलों ने मिल करके ये सहयोग किया है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट के वकील तक हमारे साथ रहे। उसका विजय दिवस हमने मनाया, वो वीडियो भी लगा हुआ है। पहाड़गंज आर्य समाज में विजय दिवस मनाया और उसमें हमारे माननीय वकील साहब ने ये जो फोटो आप लोगों के सामने है, ऋषि दयानंद के चित्र और उसके पीछे हमारे साथ जितने भी सहयोगी थे सबको ये पारितोषिक दिया गया है और माननीय वकील साहब ने बना करके बांटा है इसको। लेकिन इसमें एक आश्चर्य की बात और है, जो अंतिम दिन जिस दिन फैसला हुआ तो अग्निवेश एस एन ढिंगरा जो हमारे जस्टिस जज साहब थे, एस एन ढिंगरा साहब से कह रहे हैं कि हमें एक अवसर और दिया जाए। माननीय एस एन ढिंगरा जी ने हाथ ऊंचा करके दिखाया पीछे की तरफ कि मैं इस केस को यहीं डिसमिस कर देता हूँ, आप जा सकते हैं। हाथ दिखाया पीछे, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, आप जा सकते हैं आगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये सारा प्रमाण हमने इकट्ठा करके दिया है, ये सब आप लोगों के सामने है, इसे आप लोग देखते रहिए, इस पर विचार करते रहिए समाज में। और उस सत्या प्रकाश केस जीतने पर मुझे सम्मानित किया, परोपकारिणी सभा ने भी मुझे सम्मानित किया, ये दिल्ली केंद्रीय सभा ने भी मुझे सम्मानित किया, बम्बई आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी, और कितने संगठनों ने मुझे सम्मानित किया उस सत्या प्रकाश केस जीतने पर। तो ये सारा प्रमाण महेंद्र पाल के पास है, ये जो सम्मानित किया गया कि सत्या प्रकाश केस जीतने के लिए, वो किसी दर्शन के आचार्य को नहीं किया गया, किसी दर्शन के विद्वान को सम्मानित नहीं किया गया, वो कुरान के विद्वान को किया गया है। तो वो सच्चाई जो है वो सबके सामने आना चाहिए। दम्भी बन करके इस तरीके की बातें करना कि हमारा विरोध हो रहा है, भाई आपका विरोध क्यों होने जाएगा, आप सिद्धांत का गला घोट रहे हैं, वैदिक सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं। आज तो हमारे भाई मदनलाल जी ने भी लिख करके दिया है, मदनलाल जी ने भी बताया कि यह वैदिक है, इस पे ये करना ठीक नहीं है, यार ये समाजों का काम नहीं है। तो इस तरीके से मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं दो टुक में ये बात आप लोगों तक पहुंचाना युक्ति युक्त समझा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वो सब आप लोगों के सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद के साथ।